अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक नई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपको वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर कोई अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता है, लेकिन हर कोई इस समस्या में पड़ जाता है कि अच्छी वॉशिंग मशीन कौन सी है, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखकर वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए ताकि हम अपने लिए बेस्ट वॉशिंग मशीन खरीद पाएं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जिन्होंने अपनी बेस्ट फीचर्स वाले वॉशिंग मशीन निकाली हैं। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से सस्ती होती हैं। तो अगर आप भी अपने लिए बेस्ट वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट वॉशिंग मशीन चुनने के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखें। दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। फंक्शनैलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक बेस्ट फीचर्स वाली अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वॉशिंग मशीन की फंक्शनैलिटी को देख लें। जिस वॉशिंग मशीन की फंक्शनैलिटी अच्छी हो उसे ही खरीदें। ड्रम की सामग्री। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने वाले हैं तो हमेशा वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले उसके ड्रम का मटेरियल देख लें कि ड्रम किस चीज़ का बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ड्रम जो है प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, तो हमेशा जो है वॉशिंग मशीन लेने से पहले वॉशिंग मशीन का ड्रम का मटेरियल जरूर चेक करें। लोडिंग ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले उस वॉशिंग मशीन का लोडिंग ऑप्शन देख लें, क्योंकि दोस्तों कई वॉशिंग मशीन कपड़ों का कम लोड लेती हैं और कई ज़्यादा, तो हमेशा नई वॉशिंग मशीन लेने से पहले कपड़ों की लोडिंग क्षमता को चेक कर लें कि वॉशिंग मशीन कितना कपड़ों का लोड ले सकती है। टेम्परेचर कंट्रोल। नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले मशीन में टेम्परेचर कंट्रोल हीटर देख लें, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल हीटर मशीन में होने से ये मशीन के टेम्परेचर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता रहता है। कपड़े लेने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने वाले हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड लेने की क्षमता जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों कई वॉशिंग मशीन जो है कपड़े ज़्यादा लोड लेती हैं और कई वॉशिंग मशीन जो है कपड़े कम लोड लेती हैं, तो हमेशा नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आपको उस वॉशिंग मशीन का कपड़े लोड लेने की क्षमता जरूर चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या अंतर है, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं, पहला टब कपड़ा धोने के लिए और दूसरा टब कपड़ा ड्राई करने के लिए। और दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमें कपड़ा एक टब से दूसरे टब में शिफ्ट करने पड़ते हैं। और दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हीटर जैसी सुविधा नहीं दी होती है। तो दोस्तों, ये रहा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सिर्फ एक टब होता है जिसमें हम कपड़ा धो भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक टब होने की वजह से इसमें हमें कपड़ा एक टब से दूसरे टब में शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पहले से हीटर जैसी सुविधा दी होती है जिससे कि हम बहुत ही आसानी से इसमें गीले कपड़े को ड्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या डिफरेंट है ये भी बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन सी बेहतर है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस समस्या में पड़ जाते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से कौन सी वॉशिंग मशीन लें और कौन सी वॉशिंग मशीन बेहतर है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से कौन सी बेहतर है और कौन सी लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। पुश बटन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुश बटन वाली वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आप जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदें। कम बजट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बजट कम है तो आपको जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और ये आपको आपके बजट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर आपका बजट कम है तो हमेशा जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही खरीदें। ज़्यादा क्षमता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी वाला वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आपको जो है फुली ऑटोमेटिक
बैटरी वाशिंग मशीन लेना चाहिए। और दोस्तों यदि आप कम कैपेसिटी वाला वाशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आपको सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन में कपड़े कम आते हैं और फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन में जो है कपड़े ज़्यादा आते हैं। तो आप अपने क्षमता के अनुसार वाशिंग मशीन का सिलेक्ट कर सकते हैं। पानी और बिजली, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पानी और बिजली का संरक्षण करना चाहते हैं, पानी और बिजली बचाना चाहते हैं, तो आप जो है सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन खरीदें, क्योंकि दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन जो है फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन से कम बिजली और कम पानी लेती है। तो अगर आप पानी और बिजली बचाना चाहते हैं तो हमेशा जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन ही खरीदें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जगह की। अगर आपके घर में कपड़े धोने के रूम में जगह काफी कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन खरीदें, क्योंकि दोस्तों जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है ये जो है साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें दो टब होने की वजह से इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा जगह भी लेती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कपड़े धोने के रूम में जगह काफ़ी कम है तो मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूँगा कि आप जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही खरीदें, ताकि आपकी जो है जगह की बचत हो सके। वॉशिंग क्वालिटी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो कि अच्छे से कपड़े धोए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि दोस्तों फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कपड़े धोती है और इसमें आप जो है कपड़े को धोने के बाद तुरंत ड्राई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से कपड़े धोए, तो हमारी हमेशा से रिकमेंडेशन है कि आप जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ही खरीदें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखकर वॉशिंग मशीन को खरीदना चाहिए। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या डिफरेंट है। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से कौन सी बेहतर है और दोस्तों आपको कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आज की इस वीडियो में बताया। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अगर वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके और वो आसानी से मार्केट जाकर अपने लिए बेस्ट क्वालिटी का वॉशिंग मशीन खरीद सके। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, वहां पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में छोटा सा घंटे का बटन आता है, उसको भी क्लिक कीजिए और उसमें जो है ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसी वीडियो आप रोजाना देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां पर देखते रहें, सीखते रहें, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।